अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पैटीज़ बनाने और इसको फ्रीज़ करने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो निकाल कर बच्चों को या बड़ों को बनाकर दे सकते हैं। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 किलो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस और 1 किलो चिकन थाई बोनलेस। थाई इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी फैट होती है और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पेपर का, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे वाइट विनेगर के। अब एक चॉपर ले लेंगे, इसमें चिकन को डाल के इसमें चॉप कर लेंगे। आधा मैं थाई का डालूंगी, 2 दफ़ा करेंगे क्योंकि सारा इसमें नहीं आएगा, आधा डालूंगी रेस्ट का। और हाफ हाफ ही इसमें जो मसाले हमने निकाले हैं वो शामिल कर देंगे। और 1 टेबलस्पून विनेगर शामिल कर देंगे। अब इसको चॉप कर लेंगे। इसको बंद कर देंगे, थोड़ा हमें मोटा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। अब इसको निकाल लेंगे, जो रहता है वो भी इसमें चॉप कर लेंगे। अब जो बाकी का चिकन रहता है वो भी इसमें चॉप कर लेंगे और मसाले भी सारे शामिल कर लेंगे। सारा चिकन मैंने कर लिया, अब इसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसकी पैटीज बना लेंगे। अगर तो आपके पास पैटीज बनाने के लिए कोई सांचा या मोल्ड है तो उससे बना लें, या फिर हाथों की मदद से भी आप बना सकते हैं। किसी भी ट्रे में बटर पेपर इस तरह लगा लें, इसके ऊपर बना के रख लेंगे हम। इस तरह का बनाने वाला सांचा है मेरे पास, इसके साथ ही मैं बना लूँगी सारे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, इसके ऊपर मैंने क्लिंग फिल्म लगा ली। जिस भी साइज के आपने बड़े या छोटे बनाने हो बना सकते हैं। इसको हल्का सा इस तरह प्रेस करेंगे और इनको निकाल के बटर पेपर पे रख लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। अगर आपके पास इस तरह का मोड नहीं है तो किसी भी ढक्कन की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरह बना बना कर हम इसको बटर पेपर पे रख लेंगे। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। बनाकर इनको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें, या अगर आपको जल्दी हो तो फ्रीजर में 1/2 घंटे के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर निकाल के हम इनको कोटिंग करके फ्राई करेंगे। अब ये सारी पैटीज मैंने इस तरह बना ली है बटर पेपर लगा के। अब इसको हम फ्रिज में या फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि इनके ऊपर जो कोटिंग करनी है वो अच्छी तरह हो जाए और ये सेट हो जाए। 1 घंटे बाद फिर हम दोबारा
इसकी कोटिंग करते हैं। अब जो मैंने फ्रिज में से निकाली है सारी पैटीज, इनकी अब कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के लिए लिया है मैंने प्लेन फ्लावर, मैदा और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और एक मैंने लिया है अंडा, अंडे को फेंट लेंगे। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले पैटीज को मैदे में इस तरह मैदे की इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी तरह। मैदा लगा के इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर लेंगे। अंडा लगा के इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगा के इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह रख देंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह सबकी कोटिंग हमने कर लेनी है। अब सारी पैटीज की मैंने कोटिंग कर ली है, इसको इस तरह बटर पेपर पे लगा के रख दिया। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया। इनको हमने डीप फ्राई करना है। जो हमने फ्रीज करने हैं उनको भी हाफ कुक करके फ्राई करके रख लेंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। जो हमने अभी इनके बर्गर बनाने हैं उनको इस तरह गोल्डन कलर का फ्राई कर देंगे। जो मैंने फ्रीज करने हैं उनको मैंने हाफ कुक करके निकाल दिया। इनको भी अभी निकाल लेंगे। अब इनके हम बर्गर बनाएंगे। अब जो हमने फ्रीज करने हैं इनको ठंडा कर लिया है मैंने। ठंडा करके इस तरह के फ्रीजर बैग लेके, जिप लॉक बैग लेके इनमें डाल के फ्रीज कर देंगे और जब भी आपको ज़रूरत हो तो निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अब मैं इनको फ्रीज़र कर दूंगी। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको एयर फ्रायर में, ओवन में या दोबारा फ्राई करके खा सकते हैं। बंस में लगा के या बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। अब जो हमने फ्रीज करने हैं उनको थोड़ा ठंडा करके फ्रीज कर लेंगे। जो हमने अभी खाने हैं उनके उनके सुबह बन गए थे, थोड़ी सी कैचअप जल होगी आपको स्वस्थ खाने लगा के उसको लगा के मकेंगे करेंगे। इसके बाद पैटीज के ऊपर मैंने चीज़ को स्लाइस लगा दिए। चिकन पैटीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। इस तरह आप बन में लगा के बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी इनको दे सकते हैं या घर पे भी इनको इस तरह बना के बच्चों को दे सकते हैं। इसकी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।